प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, कोरोना संक्रमण काल में निरंतर परेशानियों को आप सभी ने झेला है और आप सभी ने इन मुश्किलों का सामना भी किया है। अब इन मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए हम लोगों के संस्थान और आपकी भी बहुत ही प्यारी, जिसे आप बहुत ही तहे दिल से चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, गुरुकुल कोचिंग संस्थान हजारीबाग के द्वारा आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की जा रही है। घर बैठे आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पर बैठ करके बिल्कुल उसी अंदाज में कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं जैसे आप हमारी कक्षाओं में बैठ करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षाओं में हम लोग आपको वो सभी चीज़ें देने जा रहे हैं जो ऑफलाइन कक्षाओं में प्रदान की जाती थी, चाहे वह जीएस की कक्षाएं हों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, सारे कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे। हर चैप्टर के बाद हम लोग टेस्ट पेपर आपको देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही साथ जो ट्रिकी अंदाज हमारा रहता था, जो शानदार ट्रिक हम लोग आप लोगों को देते थे हर चैप्टर में, जिससे आप हंसते खिलखिलाते हुए याद कर लेते थे, वो भी हमारा जुनून और जज्बा कायम रहेगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। साथ ही साथ हम लोगों का यह उद्देश्य रहेगा कि हम लोग बेहतर मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी सफलता के रास्ते में सहायक बने। निरंतर भविष्य में अभी आने वाली भी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वह झारखंड सचिवालय सहायक की कक्षाएं हों, एसएससी की हों, रेलवे की हों, बैंकिंग की हों, जेटेट सीटेट की हों, जेपीएससी की हों, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी संस्थान आपको ऑनलाइन करवाएगी, ऑनलाइन स्टेज प्रदान करेगी ताकि आप घर बैठे निरंतर कठिन परिश्रम के द्वारा अपने उज्जवल भविष्य को संवार सकें, निखार सकें और अपनी बुलंदियों को प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं 2003 में इस संस्थान की शुरुआत अन्नदा चौक के एक छोटे से रूम से तत्कालीन डीआईजी श्री बीबी प्रधान सर और तत्कालीन एसडीओ श्रीमती पूजा सिंघल मैडम के द्वारा किया गया था। विद्यार्थियों, संस्थान ने निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए अपने कठिन परिश्रम के द्वारा निरंतर रिजल्ट हमने दिए, मेहनत किया, कक्षाओं में ही याद कराने की कला को डेवलप किया और विद्यार्थियों को अपना दीवाना बना लिया। यही कारण है कि 2003 में जहां हम लोगों ने मात्र 4 विद्यार्थियों से इस संस्थान की शुरुआत की थी, आज विद्यार्थियों की संख्या 3,000 से बढ़ करके ज्यादा हो गई है। ये सब आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का ही प्रतिफल है जिन्होंने हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षाओं का आखिर उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण काल में आपने देखा कि लगातार जो मार्च माह से हम लोग लगातार तकलीफों को झेल रहे हैं, पूरी दुनिया जो अभी तकलीफों को झेल रही है, आज अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीतने वाला है, लगातार हम लोग जो है घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब जिंदगी पटरी पर दौड़ेगी, कब जिंदगी सही दिशा में आएगी और ये इंतजार एक लंबा इंतजार हो सकता है। इसलिए हम लोगों की कोशिश करनी है कि नहीं, घर बैठे ही हम लोग अध्ययन करें, घर बैठे ही अध्ययन सामग्री को प्राप्त करें, घर में बैठ करके ही टेस्ट दें, घर में बैठ करके ही अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, एक नई दिशा दें, एक नई पहचान दें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्थान का शुरू से अपना उद्देश्य रहा है, एकमात्र उद्देश्य, कि झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी का पलायन रुके, झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो कठिन परिश्रम करें और साथ ही साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आने के बाद पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को मैं आह्वान करता हूं कि वो भी कठिन परिश्रम, जज्बे और जुनून के साथ अपने आप को झोंक दें। मैं ये वादा करता हूं आपको कि हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं और मैं स्वयं अपनी पढ़ाई के द्वारा आपको कक्षाओं में ही याद कराने की कला और एक से बढ़कर एक ट्रिक और एक से बढ़कर एक चीजें देने का वादा करता हूं। खास तौर पे जो जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जीएस बहुत कठिन विषय है, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि रीजनिंग बहुत कठिन विषय है, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मैथ्स बहुत कठिन विषय है, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि कंप्यूटर रीजनिंग से लेकर के जो है साइंस के विषय कठिन है, अंग्रेजी विषय कठिन है, मैं ये दावा करता हूं कि हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स होंगे सभी आपको इस अंदाज में बतलाएंगे कि आपको उन विषयों से मोहब्बत हो जाएगी, आपको उन विषयों से एक जबरदस्त आकर्षण होगा और आप निश्चित तौर पर इन विषयों के प्रति जो है ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे। छात्रगण, प्रत्येक कक्षाओं के बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के साथ साथ प्रत्येक रविवार को संस्थान टेस्ट लेगी, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट यदि आप नहीं देंगे तो आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं कि आप कहां हैं,
आप अपने स्तर को नहीं देख सकते हैं कि आप कहां पर अपने आप को पाते हैं, तो टेस्ट देना लेना भी और आपका टेस्ट देना भी एक बहुत जरूरी माध्यम बनेगा। घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से आप टेस्ट दें, टेस्ट पेपर में भी आप लोग जो है जम करके मेहनत करें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी। छतगंज, आप लोगों के प्यास से संस्थान ने विगत 17 वर्षों में अनेक आईएएस आईपीएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कई पदाधिकारियों को जो है आज सर्वोच्च मुकाम दिलवाया है। संस्थान के असंख्य विद्यार्थी आज जेपीएससी में डीएसपी, बीडीओ, सीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हैं। संस्थान के हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी आज बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और बैंक के विभिन्न पदों में मौजूद हैं। संस्थान के हजारों हजार विद्यार्थी, असंख्य विद्यार्थी एसएससी में, जेटेट में, सीटेट में, हाई स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर से लेकर के प्लस टू टीचर से लेकर के हर स्थान पर सरकारी नौकरी दिलाने का हम लोगों ने कार्य किया है। विगत वर्ष में भी संस्थान के 2018 में दरोगा में 262 रिजल्ट एक रिकॉर्ड के रूप में दिए गए थे, जो कि एक पूरे झारखंड में किसी भी कोचिंग संस्थान ने नहीं दिए, जो कि गुरुकुल के द्वारा दिया गया है। छतगंज, हम लोगों ने हमेशा से प्रयास किया है कि आपके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए और दिन दुनी रात चौगनी मेहनत की जाए, और इसी चीज को लेकर के एक नया प्रयोग संस्थान लेकर के आई है, और इसमें मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करूंगा रांची के ई ज्ञान सागर कंपनी को, जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, हमारे साथ जो है उनका कोलैबोरेशन हुआ है और वो हमें ये प्लेटफॉर्म दे रही है, ये ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दे रही है, आपको ये टेक्नोलॉजी प्रदान कर रही है। ई ज्ञान सागर की टीम को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद आपको लेना है, ऑनलाइन कक्षाओं का मजा आपको लेना है, ऑनलाइन कक्षाओं में आपको घर बैठ करके उसी तरीके से पढ़ना है जिस प्रकार से आप कक्षाओं में पढ़ते थे। हमारे टीचर्स आएंगे, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और उसी अंदाज में पढ़ना है, उसी अंदाज में लिखना है, उसी अंदाज में प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आप हमारे जो है ऑफलाइन क्लासेस में करते थे। मैं दावा करता हूं आपको कि आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में, आपको लगेगा कि बिल्कुल आप हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं और सर से डायरेक्ट बातचीत हो रही है। इसमें हम लोग डाउट क्लासेस भी रखे हैं, हर चैप्टर के बाद टेस्ट पेपर भी रखे हैं और हर चीज जो आपको आगे ले जा सकती है, अपडेट कर सकती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो लगातार क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं, उन सब चीजों से हम लोग आपको लगातार रूबरू करवाएंगे, लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, ये हम लोग आपसे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों वादा करते हैं। आज मैं अपने संस्थान के सभी दिग्गज मार्गदर्शकों और सभी दिग्गज जो संस्थान के धड़कन कहलाते हैं और संस्थान में जिनका जो है स्टूडेंट्स क्लासेस करने के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, उन सबों से मैं आज आपका परिचय भी कराने जा रहा हूं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं परिचय करवा रहा हूं जिन्हें गुरुकुल की धड़कन भी कहा जाता है और ये अनेक पुस्तकों की रचना इन्होंने की है। रीजनिंग की कक्षाएं जब ये लेते हैं तो सभी विद्यार्थी ताली बजा करके और विद्यार्थी एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, उनका गदगद हो जाते हैं कि नहीं, संजय सर अब हमारे बीच में आ गए हैं, और उनकी कक्षाएं करके उन्हें अजब आनंद की अनुभूति होती है। सर के रीजनिंग पढ़ाने का अंदाज इतना जबरदस्त है, इतना प्रैक्टिस वो करवा देते हैं, इतना मथवा देते हैं कि लड़का 50 में, मैंने पूछा स्कोर लड़कों से तो 50 में कोई बोलता है 48, कोई 49, कोई बोलता है मैं 50 में 50 करके आया हूं सर। सही, संजय सर का पढ़ाने का ये अंदाज रहता है और आज इनके पढ़ाए हुए बच्चे विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत हैं और इन्होंने रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग की, यूपीएससी लेवल की भी पुस्तकें लिखी हैं जो कि इनके व्यक्तित्व को और भी निखारती है। शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए और अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया है संजय सर ने। मैं आपका सबसे पहले परिचय कराते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, गुरुकुल गौरवान्वित महसूस करती है ऐसे मार्गदर्शक को पाकर के। संजय सिन्हा सर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑफलाइन क्लासेस के बाद आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत लंबे अंतराल के बाद आप सबों से मुलाकात हो रही है, लेकिन वही जज्बे और जुनून के साथ आप सबों के समक्ष में हम सब खड़े हैं। पूरी गुरुकुल संस्थान नए नवेले टेक्नोलॉजी के साथ में, ई ज्ञान सागर के साथ मिलकर के आप सबों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर हम सब खड़े कर रहे हैं। उसी अंदाज में जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस होती थी, वही सफलता के प्रति हमारी जुनून आपको आपकी मंजिल तक दिलाएगी। ये मैटर नहीं करता है कि आप ऑफलाइन क्लासेस में क्लास में आके क्लास करें, ऑनलाइन क्लासेस आप घर बैठे उसी तरीके से जिस प्रकार से आपके समक्ष में संजय सर, जयप्रकाश सर, स्वरूप सर जैसे इंट्रोड्यूस होते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में हम सब आपके सामने रूबरू होंगे और वही अंदाजे बयां होगा हमारा पढ़ाने का। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोरोना काल में आप सबों ने देखा कि किस प्रकार से देश और दुनिया की जिंदगियां रुक गईं, लेकिन अब नहीं, अब आपकी जिंदगियां रुकेंगे नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी जिंदगियों को हमारा बढ़ाना हमारा उद्देश्य होगा। गुरुकुल कोचिंग आपके साथ हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों,
मैं संजय कुमार सिन्हा आप सबों के बीच में रीजनिंग विषय लेकर के आऊँगा। कॉम्पिटेटिव की परीक्षाओं में रीजनिंग विषय या मेंटल एबिलिटी का होना क्यों जरूरी है और क्यों इसे रखा जाता है? आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में कई विषय अपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, उनमें वन ऑफ द सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं मेंटल एबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक एनालिटिकल रीजनिंग। ये दोनों प्रकार की रीजनिंग आपकी एक ही कक्षाओं में समाप्त कराई जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिए, एक बार जज्बे और जुनून के साथ ठान लीजिए, सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। मुझे याद आता है, एक विश्व की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया था, आपके भारत की वो महिला हैं जिन्होंने अंग्रेजी चैनल तैर कर पार किया था, नाम था उनका आरती साहा। ब्रिटेन स्थित अटलांटिक महासागर में उन्होंने अपना ये चैनल तैर कर पार किया था, और अटलांटिक महासागर का पानी इतना ठंड होता है कि यदि हम सब अपनी एक उंगली उसमें डाल लें तो शायद ये भी इतना सीवर होता है वो कि वो गल के बाहर हो जाएगा। उस चैनल को तैर कर पार करने का, विश्व की पहली महिला होने का उन्होंने गर्व हासिल किया था। उसके पीछे एक ही मकसद था, वो जज्बा और जुनून। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वही जज्बे और जुनून के साथ आपको उठ करके खड़ा होना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि मंजिलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, गिरकर मत हार वो सफर के मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं, ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। कोरोना चला गया, कोरोना के भय से अब आपको बिल्कुल नहीं डरना है, अपने घर पर अपने बेड पर सोकर बैठकर आप इस ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले सकते हैं और उसी फुल फ्लेजर में आप तैयारी कर सकते हैं। छात्रगण, तमाम वैकेंसियां रुकी हुई हैं, तमाम रिक्तियां रुकी हुई हैं, एक एक रिक्तियां और एक एक वैकेंसियां आपके कुछ दिनों में आने वाले हैं, और यदि आप अपने आप को इस जुनून पर तैयार नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप बिछड़ जाएंगे। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस की बातें आप हटा दीजिए, आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस लेकर के गुरुकुल आ रही है, और इस क्लास में हम सब आपको बिल्कुल नए फुल फ्लेजर में, जिसे कहा जाता है कि सर हम मुझे क्या फायदा होगा ऑनलाइन क्लासेस से, आप सबों को देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल देख पाएंगे, आपके सामने लाइव होंगे हम सब, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम लोग दूर करेंगे। एक एक प्रॉब्लम जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस में दूर की जाती थी, वो एक एक प्रॉब्लम हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप सबों को करेंगे। क्या अंतर होगा ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में, इस पर प्रकाश डाल दे छात्रगण। अब आप ऑफलाइन क्लासेस में सपोज कीजिए कि सर जो कुछ भी क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे आपने उसे पढ़ा था, पढ़ने के बाद आप घर जाते जाते अपने मित्रों से गपशप में या मूवी देखने के क्रम में सारे कुछ भूल गए। अब आप जाकर के सीधे एक लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड दिया जाएगा संस्थान के द्वारा, आप उसके माध्यम से हमारे लेक्चर को पुनः घर में जाकर के सुन सकते हैं। तो आपको डबल रिविजन क्लास हो जाएगी, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, खाना बनाते बनाते अपना हेडफोन लगा लीजिए, उसके बाद आराम से अपना जो है क्लासेस का मजा ले लीजिए, और खाना भी आपका बन गया, अपना क्लास भी कर लिए, तो कई तरह के बेनिफिट्स हैं। और छात्रगण, आपको ये मालूम होना चाहिए कि संसार परिवर्तन का नाम है, हम सबों ने भी गुरुकुल में ये परिवर्तन किया है। आपकी भलाई के लिए विभिन्न वैकेंसियों के मद्देनजर हम सब आप सबों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ की हमें आवश्यकता है। हम वही अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत होंगे जिस अंदाज में हम सब अपने ऑफलाइन क्लासेस में आपके समक्ष रूबरू हुआ करते हैं। रीजनिंग इन दिनों एक इतना वाइटल विषय परीक्षाओं के लिए बन गया है, आप अवेयर होंगे, आपको मालूम है SSC, बैंकिंग, UPSC, CSAT के रूप में, CSAT का क्वालिफाइंग पेपर है 80 नंबर का, जिसमें रीजनिंग एक वाइटल रोल अदा करता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस विषय की ओर गहरा मेहनत करना होगा। मजे की बात क्या है कि अन्य विषयों की यदि हम बात करें तो अन्य विषयों में आपको फॉर्मूलाज बेस्ड या डेरिवेशन बेस्ड, इसमें कुछ भी नहीं, आपको बस सिंपल सा एक केवल कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, चैप्टर वाइज कंसेप्ट, बिना किसी फॉर्मूले के, बेहद आसान ट्रिक से, विदाउट एनी रिसाइटिंग, कोई भी बिना कुछ रिमेंबर नहीं करना है, आपको बस जो क्लास में बताया जा रहा है उसको आत्मसात करना है, बार बार उन वीडियोज को देखना है। हम सब अन्य से अलग आपको देने का प्रयास करेंगे। हम सब अन्य से अलग कैसे हैं? कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर्स, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो कैसे पढ़ाता है, और आप हमारी पढ़ाई को देख लीजिए, हम कैसे पढ़ाएंगे, इसे आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। हम सब एवरी कंटेंट के बाद एक पूरी कंटेंट की हम सब टोपोग्राफी करते हैं, अब पूरी कंटेंट की बारे में जानकारी देने के उपरांत हम सब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, उसमें आपको जो कुछ भी इश्यूज होता है वो आप हमसे डेवलप करते हैं। स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये हमारा मंत्र होता है कि स्पीड के साथ आप एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करेंगे एग्जामिनेशन लेवल पर, उस पर हम लोग बहुत बहुत काम करते हैं।
कैसे काम करते हैं थोड़ी सी आपको बात बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे है। हम सब एक एक चैप्टर पे इतने सारे क्वेश्चंस देते हैं और कमोवेश वही सारे प्रश्न जो होता है वो हमारे परीक्षाओं में भी आ जाते हैं। छात्रगण, ये आप सबों का आशीर्वाद है, हमारी टीम का जबरदस्त मेहनत है, हमारी थिंक टीम लगातार इस पर काम करती है, तब जाकर के हम सब सक्षम होते हैं। एक एक चैप्टर में हम सब जो कुछ भी पढ़ाएंगे, जितने क्वेश्चंस हम सब यहाँ पे आपको बताएंगे, आपको उसे केवल घर लेवल पर उसको रिवाइज कर लेना है, वही तमाम प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते रहेंगे। तो कंसेप्ट के साथ पढ़िए, डेडिकेशन होकर के पढ़िए, और साथ ही साथ ये हमेशा याद रखिए कि मंजिलें पानी हैं तो दिलो जान से लगना होगा, डरना मना है, और सफलता के लिए एक जुनून का विकास कीजिए, अपने अंदर वो क्षमताओं का विकास कीजिए कि सर मुझे सफल होना है, अगला वर्ष आपका है, अगली की राहें आपकी हैं, आगे का जीवन आपका है, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आइए ऑनलाइन क्लासेस का मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच गुरुकुल के विज्ञान और कंप्यूटर के उत्कृष्ट मार्गदर्शक आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इंजीनियरिंग इन्होंने कंप्लीट की है और विद्यार्थियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं। मैं बुलाना चाहता हूं और बहुत ही गर्व अनुभव करता हूं, इंजीनियर रविंदर सर आपके बीच में आ रहे हैं। प्यारे भाइयों, मैं रविंद्र कुमार, मैं अपनी बातों को कुछ लाइनों के द्वारा बताना चाहूँगा जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। कहा जाता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो भाइयों, हम एक नए प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं। जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का प्यार आप लोगों ने हमें ऑफलाइन बैचेस में दिया है, हमें पूरी उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा है कि यही सपोर्ट, यही प्यार आप हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी देंगे। भाइयों, मैं रविंद्र कुमार आपके समक्ष साइंस की सारे क्लासेस लेकर आऊँगा, जिनमें फिजिक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी समेत सारे साइंस के सब्जेक्ट्स कवर होंगी। इन सभी सब्जेक्ट्स का कम्पिटिटिव एग्जाम्स के तौर पर महत्व तो है ही, साथ ही साथ दैनिक जीवन में भी साइंस का कई सारे उपयोग है। इन सभी चीज़ों को यदि हम देखें, अपने जीवन में अपनाएं, तो हमें हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल होती हुई दिखाई देगी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें समझ में आना शुरू होगा। जैसे कहा जाता है, यदि आपने देखा होगा, एक हेलीकॉप्टर और एक हवाई जहाज दोनों हवा में उड़ता है, लेकिन दोनों के उड़ने के तरीके में अंतर है। हेलीकॉप्टर अपने पंखों के बल पर उड़ता है, उस हेलीकॉप्टर में बहुत बड़े पंखे होते हैं, लेकिन यदि हम हवाई जहाज का बात करें तो उसमें कोई पंखा होता नहीं है, और यदि होता भी तो बहुत छोटे साइज का होता है। एक चीज़ और है जो आपने गौर की होगी कि हवाई जहाज जब भी उड़ता है तो रनवे पर बहुत तेज़ी से गति करता है और वो उसी गति के कारण वो हवा में उड़ पाता है, और इसको बताया था बर्नौली नामक एक वैज्ञानिक ने, और इस चीज़ को हम बर्नौलीज के सिद्धांत में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है कि एक लोहे का छोटा सा कील यदि हम पानी में गिरा दें तो वो डूब जाएगा, लेकिन लोहे का एक बना हुआ बड़ा जहाज वो पानी में नहीं डूबता है। इसका भी कारण है, इसके बारे में आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत के बारे में बताया था। इसके अलावा यदि आप देखें, फ्रिज में कोई भी दो वस्तु को रख दीजिए, एक लकड़ी रख दीजिए, दूसरे लोहे के टुकड़े को रख दीजिए, दोनों को बाहर निकालेंगे, दोनों का जो तापमान होगा वो शून्य होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन फिर भी छूने पर जो लोहा है वो ज़्यादा आपको ठंडा प्रतीत होगा, लकड़ी आपको कम ठंडा प्रतीत होगा। इसके पीछे का कारण भी हम जानेंगे। तो इस तरह से दैनिक जीवन में कई सारे हमारे समक्ष एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत होते हैं जिन्हें हम साइंस के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अपने जीवन में साइंस को हम उतार सकेंगे, उन्हें अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यदि बायोलॉजी विषय में बात किया जाए तो इसमें हम ये चीज़ जान पाएंगे कि हम हमारे शरीर में क्या बदलाव करें ताकि हमारा शरीर सही रहे। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, जैसे एक चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जो खाना खाते हैं वो कैसे पचता है, वो क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरता है, क्योंकि इन्हीं सारे प्रोसेस से ही एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो आप देखते होंगे, किसी भी कोई भी जीव है, उसका जब वो नया जीव उत्पन्न होता है तो वो सारा जीव उसी के रू
हूबहु होता है, उसका जो भी शारीरिक बनावट है वो अपने पेरेंट्स का ही लेता है। अब ये सारा चीज़ ये उसी पेरेंट्स का क्यों लेता है? जैसे मान लीजिए शेर का बच्चा शेर के जैसा ही दिखता है, बकरी के जैसा नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि वो शेर अपना जीन अपने बच्चों को देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जो एक बायोलॉजी का भाग है। आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से सांस लेना शुरू करता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो लगातार सांस लेता रहता है। अब ये सांस लेता क्यों है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो इसका आखिर यूज़ क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम साइंस के माध्यम से जानेंगे। आप कई बार हार्डवेयर सुनते होंगे टर्म, सॉफ्टवेयर सुनते होंगे, C++ सुनते होंगे, इनके विषय में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब हम कंप्यूटर के बारे में बातचीत करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पूरी पता चलेंगी। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग होता है वो बिल्कुल ग्रास लेवल पर होता है। मैं कहता हूं कि आप मुझे कोई भी एक डेली वर्कर को भी मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं उसको भी साइंस समझाने की क्षमता रखता हूं। मैं उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको साइंस पढ़ाऊंगा और आपको कंपटीशन का तैयारी होने के साथ साथ आपको अपने जीवन जीने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, जीवन से आप अपने पढ़ाई को जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ हम लोगों के गुरुकुल के बहुत ही उत्कृष्ट मार्गदर्शक, जिनके विद्यार्थी दीवाने हैं। भूगोल विषय को उन्होंने इतना आसान बना दिया है, मैपवर्क के द्वारा, चाहे वह इंडिया का मैप हो चाहे वर्ल्ड का मैप हो, मैपवर्क के द्वारा ये भूगोल विषय को इतनी आसानी से बताते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो कि विज्ञान पृष्ठभूमि से आता है, जिसने ISC किया हुआ है, BSc किया हुआ है, MSc किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो भी भूगोल विषय का दीवाना हो जाता है। सर ने भूगोल विषय की पुस्तक लिखी है जो कि राजेश पब्लिकेशन दिल्ली से भी प्रकाशित हुई है और विद्यार्थियों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। मुझे लगता है कि अभी 20,000 से भी ज़्यादा प्रतियाँ इसकी निकल चुकी है। मुझे बुलाते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, हमारे भूगोल विषय के बहुत ही उत्कृष्ट मार्गदर्शक रामस्वरूप सर को आप लोगों के बीच में वो आएंगे और भूगोल की बारीकियों के बारे में आप लोगों को छतगन जो है विशिष्ट जानकारियां देंगे। हेलो फ्रेंड्स और हमारे छात्रगण, इस कोरोना महामारी काल में आपके उज्जवल भविष्य के लिए गुरुकुल पहली बार हजारीबाग में ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रही है, जो आपके भविष्य को उज्जवल के लिए बहुत ही जरूरी है। हम मानते हैं कि आप घर से नहीं निकल रहे हैं, फिर भी आपको चिंता है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ऐसे में निश्चित तौर पर गुरुकुल इसके लिए आपके लिए कुछ काम कर सके, इसके लिए हम टीम, हम लोग आपको और आपके छात्र को और आपके गुरुकुल टीम को बहुत ही आभारी है कि हम कुछ कर सकेंगे। मैं विगत यहाँ 17 वर्षों से भूगोल का क्लास ले रहा हूँ और इसके अलावा मैं भूगोल में भारत का भूगोल, वर्ल्ड का भूगोल और झारखंड का भूगोल को पढ़ाऊँगा। इस दौरान जो इन्वायरमेंट साइंस से भूगोल का वह चैप्टर जो रिलेटेड है उसको भी बताई जाएगी, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि सभी परीक्षाओं में इन्वायरमेंट साइंस के प्रश्न जरूर पूछी जाए और ख़ासकर वह इन्वायरमेंट साइंस जो भूगोल से रिलेटेड है। मैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और झारखंड का भूगोल की बहुत सारे क्वेश्चंस का ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। मेरी पुस्तक जो राज पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, उस पुस्तक में भी मैंने भारत के भूगोल से संबंधित बहुत सारे ट्रिक को दिया है ताकि ट्रिक के माध्यम से आप भारत का, झारखंड का और विश्व के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर को हल कर सके। मैं विगत कई वर्षों से एग्ज़ाम में बैठता आ रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। मैं निश्चित तौर पे विगत 17 वर्षों से एक गारंटी देता हूं कि जो प्रश्न आपको भूगोल में पूछे जाएंगे वो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा जो क्लास ली जाएगी उसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू। अब हम लोगों के बीच में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी राज्य के विद्यार्थियों के बीच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, UPSC का CSAT हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अंग्रेजी विषय को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां रहती है, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। अंग्रेजी विषय को लोग देखते हैं और हिंदी मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट्स भागो भूत आया करने लगते हैं, उनको डर काफ़ी लगता है कि ना बॉस सब विषय में सक जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी विषय में सकना बड़ी मुश्किल है। और यही कारण है कि अंग्रेजी विषय के डर के कारण ही हमारे अधिकांश विद्यार्थी जो कि बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, GA में, कंप्यूटर में, GS में,
वो अंग्रेजी विषय में एसएससी के एग्जामिशंस में, बैंकिंग के एग्जामिशंस में या अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिशन जहां अंग्रेजी विषय लाता है वहां वो फेल हो जाते हैं। इन सभी दुविधाओं को, इन सभी परेशानियों को, इन सभी चुनौतियों को आपके सामने दूर करने के लिए आ रहे हैं गुरुकुल के उत्कृष्ट मार्गदर्शक, बेहतरीन मार्गदर्शक, जो अंग्रेजी विषय को इतना आसान बना देते हैं कि आपको यदि अंग्रेजी विषय का कोई भी ज्ञान नहीं है, आप यदि अंग्रेजी विषय से भूत की तरह भागने लगते हैं, एक डर आपके मन में समाया हुआ है, तो आपके उस डर को दूर करेंगे हमारी टीम के एक बहुत ही अति विशिष्ट सदस्य महेंद्र सर। आइए महेंद्र सर, आपका स्वागत है। हाय दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो ऑलरेडी मेरे क्लास ले चुके हैं और बहुत सारे नए विद्यार्थी भी हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पहली बार हमारे गुरुकुल संस्थान के द्वारा जो चलाया जा रहा है, पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किए जाएँ। इसके पीछे रीज़न क्या है, हम लोग सभी इससे अवगत है। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में डरना नहीं है, उस सिचुएशन को फेस करना है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसमें विद्यार्थियों को हम देखे हैं उसके जहन में या तो बैठ गया है या फिर बैठा दिया गया है कि नहीं, इंग्लिश तो बहुत पहाड़ है, इंग्लिश तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कैसे इसको हम सीखेंगे, कैसे इससे हम निजात पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास करके जो पुराने बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, वो बिल्कुल वो जानते हैं, हमें लगातार हम लोग ऑफलाइन क्लास में क्लास दे ही रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो एक सीमित है, जो कि हम लोग चाहते हैं ये सीमित सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेकर के हम लोग चढ़ें, और ना कि सिर्फ एक हजारीबाग छोटा शहर से हम लोग हैं, इसमें हम लोग पूरा झारखंड, बिहार और चाहते हैं आने वाले दिनों में पूरा भारत में इसका इम्पैक्ट और प्रभाव पड़े। जैसे कि सभी को जानते हैं कि गुरुकुल कोचिंग संस्थान जो कि मार्गदर्शन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा संस्थान और यहाँ का जो टीम है और टीम का जो हार्डवर्क है, विद्यार्थी जितना मेहनत करते हैं उससे भी ज़्यादा हम लोग तत्पर रहते हैं मेहनत करने के लिए। बात रहा लैंग्वेज का, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कहते हुए हमने सुना कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। हम बता दूँ, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बस इसी में कंफ्यूज करते हैं कि बहुत ही हार्ड है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट मान करके उसको रट्टा मारना शुरू कर दिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको हम लोग सीक्वेंस ढंग से पढ़ेंगे और इसको हमको समझना है, सीखना है, ना कि रट्टा मारना है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो एसएससी, बैंकिंग या फिर आपका सीसेट पेपर लेवल, पेपर का जो भी लेवल है उसको अगर हम लोग फेस करेंगे, तो बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज को अगर हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है फंक्शनल लैंग्वेज और एक होता है फॉर्मल लैंग्वेज। तो हम लोग फंक्शनल लेवल को कॉम्पिटिटिव लेवल की ओर हम लोग लेके चलते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसका यूसेज बताया जाता है। सिंपली हमको रट्टा मारे हुए हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, बस इसको हम लोग रट्टा मार के बैठ गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हम लोग कभी प्रोमो क्लास है, जब डेमो होगा तो डेमो क्लास में आप देखेंगे कि भाई इसका सही यूसेज क्या है, इसका सही प्रयोग क्या है, हम लोग इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आसानी से। अगर हम सिलेबस का बात करेंगे, तो चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों या एसएससी का तैयारी कर रहे हों या सीसेट का कोई भी पेपर हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो जहां इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, उसको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेकर के चलेंगे। और ये जो सिलसिला होगा एक सीखने के माध्यम से होगा, ना कि इसको हम लोग रट्टा मारेंगे। इसमें बहुत सारा सेक्शन है और सेक्शन में आपका आएगा ग्रामर, ग्रामर के बाद आता है वोकेबुलरी, और वोकेबुलरी के बाद हम कॉम्प्रिहेंशन को फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये होता है कि हम वोकेबुलरी कैसे सीखें। इसके लिए हम एक ट्रिक तैयार किए हुए हैं, रूट वर्ड और निमोनिक विधि। इसके माध्यम से जब हम लोग क्लास में आएंगे तो देखेंगे कि भाई कैसे आसानी से हम ये सारा चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का बात रहा, तो कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग एक अलग सिचुएशन को लेकर के आएंगे और उसका एक सिलसिलेवार को देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि लोग 10 साल 20 साल तैयारी करते रह जाते हैं और इंग्लिश के बारे में उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए कुछ पॉइंट को हमको हटाना है और कुछ ऐड करना है, और बाकी बात सारा जो सिचुएशन है इसको हम लेके आएंगे जब हमारा क्लास होगा। धन्यवाद। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में गणित विषय का अपना एक अलग महत्व है,
और गणित विषय में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप जैसा कि आप जानते हैं आपने 10th लेवल तक पढ़ाई की, 12th लेवल तक आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन भी आपने किया, पीजी भी किया मैथ्स से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जब मैथ्स को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको कम समय में क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाना है, यानी कि आपका टाइम एक्यूरेसी कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों चीजों पर अपना प्रकांड विद्वान बनना होगा, तभी आप मैथ्स को एक बहुत मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं और मैच को अपनी टीम को जिता सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के झंडे बुलंद कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स विषय को लेकर के हम लोगों के बीच में एक बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ आ रहे हैं, जिन्होंने न केवल हजारीबाग जैसे छोटे से शहर से कई बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाई है, बल्कि इन्हें दिल्ली जैसे महानगर, पटना और बिहार के भी मधुबनी, दरभंगा और कई जिलों में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है। आज इनके पढ़ाए गए विद्यार्थी कई उच्च स्थानों पर मौजूद हैं। मैथ्स विषय को ये इतने आसान तरीके से आप लोगों को बतलाएंगे कि आपको मैथ्स विषय लगेगा कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हम लोग टफ समझते थे, कठिन समझते थे, अब वो विषय कठिन नहीं रहा, वो विषय बहुत आसान हो गया है। आपके बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ असद सर को, जो कि मैथ्स के बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ हैं और बहुत ही जबरदस्त रूप से ट्रिकी अंदाज में पढ़ाने के लिए भी अपने आप में काफ़ी विशिष्ट माने जाते हैं। असद सर। हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब, गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और हमारे जितने भी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर क्लास डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो अब ये परेशानी से आप लोगों का छुटकारा मिलने वाला है। और उन छात्रों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जो गुरुकुल में तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन विभिन्न विभिन्न शहर में होने के वजह से, अपना फैमिली बैकग्राउंड वीक होने के वजह से यहाँ तक आ करके नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद कि अब वो लोग अपने घर में बैठ करके वैसे छात्र हमारे गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले सकते हैं। मैं अरशद अय्यूब आप लोगों के बीच मैथ सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा और ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि आप सभी को पता है कई लोग मैथ्स से ऑनर्स किए हुए हैं जैसा कि सर ने भी बताया, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो सारा क्वेश्चन आता है फिर भी सारा क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब सारा सॉल्व क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो पता चलता है कि समय ही ख़त्म हो गया। या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का मैथ से दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि 10th क्लास के बाद अगर वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं आर्ट्स से तो 10th क्लास के बाद उनका मैथमेटिक्स ऐसे ही छूट जाता है। तो यही सब कमी के वजह से क्या होता है कि जिनका मैथ अच्छा है वो टाइम के वजह से मैथ में एक्यूरेसी नहीं ला पाते हैं, और जिनका मैथ वीक है वो तो खैर मैथ अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं दो मेथड से आप लोग के लिए, दोनों मेथड को साथ में लेकर के चलूँगा, जिनका मैथ का कॉन्सेप्ट एकदम वीक है उनके लिए बेसिक, और जिनका मैथ का क्वेश्चन स्ट्रांग है उनके लिए तो ट्रिक होगा ही होगा। साथ ही मैथमेटिक्स में एक और कमी होता है कि जब मैथ हम लोग बनाने के लिए बैठते हैं या मैथ कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो मैथ का क्लास कहीं ना कहीं ज़रूर करता होगा, लेकिन आपको सिलेक्शन तब मिलेगा जब आप लोगों से अलग करेंगे, क्योंकि जो लोग वो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वो एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हैं, वही सॉल्यूशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो जितना समय में वो बना रहे हैं उतना ही समय में आप भी बनाएंगे, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। कंपटीशन का मतलब है कि आपको हमेशा 10 कदम आगे रहना होगा, तो ये 10 कदम आगे रहने के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है कि कहीं भी पढ़ाई होता है तो मैथ्स का सॉल्यूशन तो हर जगह पे बताया जाता है, लेकिन हम लोग मैथ के सॉल्यूशन को बताएंगे वो तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन साथ ही जो सॉल्यूशन, जो मैथ का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को भी समझाना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। हम लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, कहीं से भी क्लास कर लिए, क्लास करने के बाद क्या होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पैटर्न थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अलग कर रहा है,
थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया जाए तो अगर वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। तो वही क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को समझाने का भी अपने अंदर क्षमता रखते हैं कि कम से कम जो क्वेश्चन आपका आया है एग्जामिनेशन में आएगा उसको किस तरह से सोचना है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है हम लोग ये देखने वाले हैं। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझेंगे आप कितना भी अच्छा सॉल्यूशन ट्रिक आपके पास हो आप बेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन को समझने का क्षमता आप में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को समझा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को कितना भी मॉडरेट कर दिया जाए कितना भी घुमा दिया जाए भले ही वो क्वेश्चन को आप कहीं नहीं देखे होंगे, एकदम फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए अगर एग्जामिनेशन में मिल जाए तो वैसे क्वेश्चन को भी किस तरह से डील करते हैं हम लोग, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ऑफलाइन क्लास के बाद या ऑनलाइन क्लास में समझने में जो जिन्हें प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार हमारे गुरुकुल के टीम पे भरोसा करके और गुरुकुल में आइए और ऑनलाइन क्लास में शामिल हो जाइए। मैं गारंटी देता हूँ, हम सभी का ये गारंटी है कि आपको जो ऑफलाइन क्लास में मिल रहा था वही ऑनलाइन क्लास में मिलेगा। साथ ही बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट लोग जो क्लास के भीड़ में जैसे कि 150-200 स्टूडेंट में जो पीछे बैठे हुए होते हैं वो लोग क्वेश्चन भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन क्रिएट होता ही होता है। तो उनके लिए और भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हेजिटेशन के वजह से जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे अब वो भी अपना प्रॉब्लम आराम से शेयर कर सकते हैं। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मैंने अपने टीम के सभी योद्धाओं के साथ आज आपका परिचय करवाया। संजय सिन्हा सर रीजनिंग के बेताज बादशाह, असद सर मैथ्स के आर्यभट्ट, रामस्वरूप सर ज्योग्राफी के महान ज्ञाता, हमारे रविंदर सर इंजीनियर की इंजीनियरिंग की डिग्री जिन्होंने प्राप्त की हुई है, विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के महारत हासिल किए हुए शिक्षक महेंद्र सर जो कि अंग्रेजी विषय के शेक्सपियर और अंग्रेजी विषय के महान ज्ञाता, और मैं खुद गुरुकुल इंस्टीट्यूट का निदेशक जेपी जैन जो कि आप लोगों के बीच में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन का अति महत्वपूर्ण विषय हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लेकर के आऊँगा। छतगण लोग कहते हैं अकबर बाबर चला गया और अपने कब्र में दफन हो गया, हम लोग को लोट दे के चला गया, महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह किए तो हम क्या करें नाचे। 1857 की क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था तो इससे हमें क्या लेना देना। गांधी जी का चश्मा का क्या पावर था, गांधी जी के डंडा का क्या साइज था, धोती का क्या साइज था, कब कौन सी घटना घटी, इतने कैरेक्टर हैं इतिहास में, इतने तरह की तिथियां हैं, इतने तरह के वंश हैं कि लोग याद करने से हालत खराब हो जाता है। साइंस विषय के स्टूडेंट्स भी इतिहास का नाम सुनते हैं तो भागने लगते हैं, करे बाप हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा करने लगते हैं। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये वचन देता हूँ कि मैं यदि हिस्ट्री से आप लोगों को मोहब्बत नहीं करवा दी तो मैं जो है अपना जो मुख्य मेरा कर्तव्य होता है विद्यार्थियों के प्रति पढ़ाना उसे मैं तिलांजलि दे दूंगा। क्योंकि एक ऐसा विषय जो कि रोचकता लिए हुए नहीं होता है लेकिन टीचर का अंदाजे बयां कैसा है, टीचर कैसा पढ़ाता है, टीचर आपको उस काल में ले जाकर के आपको ऐसा अनुभव लगे कि 1857 की क्रांति आपके सामने हो रही है, आपको ऐसा लगे कि अकबर बादशाह आपके सामने है, नूर जहां आपके सामने है, मुमताज आपके सामने है, ताजमहल आपके सामने बन रहा है, तो आपको मजा आएगा, आपको मोहब्बत हो जाएगी इस विषय से। और ये दावा हम लोग करते हैं कि हम लोग जो पढ़ाएंगे वो निश्चित तौर पर आपको एक एक चीजें क्लासेस में ही याद हो जाएगी, आपको दोबारा उस नोट्स को पलट करके देखने की जरूरत नहीं होगी। और ये विषय चाहे वो हिस्ट्री विषय हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का विषय हो, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संविधान संशोधन से लेकर के संसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जम्मू कश्मीर से लेकर के प्रधानमंत्री, हर विषय को हम लोग इतने आसान तरीके से मजेदार तरीके से आप लोगों को बतलाएंगे कि आपको लगेगा कि वाह ये इतना आसान विषय था, मैं तो उसे टफ समझता था। चाहे इकोनॉमिक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या होती है, शेयर बाजार कैसे उछलता है, शेयर बाजार कैसे गिरता है, लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि ये क्या चीजें हैं, शेयर बाजार उछला, शेयर बाजार गिरा, और वो लोग इन्हीं सब चीजों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, डेली आप बैंकों में जाते हैं तो इन सारी चीजों से जो कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग टर्म्स आए, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से सवाल आए, चाहे वह रेलवे के एग्जामिनेशन में आए, इकोनॉमिक्स विषय को भी मैं इतने अंदाज
तरीके से, इतने बेहतरीन और मनमोहक तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि आप निश्चित तौर पर इसके कायल हो जाएंगे, इसके दीवाने हो जाएंगे। मैं पुनः अपनी टीम के सभी मेंबरों के साथ साथ पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से ई ज्ञान सागर टीम का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया और एक नया कर गुजरने का जज्बा और हौसला हमें प्रदान किया है। कोरोना संक्रमण काल से आज पूरी दुनिया ये कर रही है। हम ईश्वर से, खुदा से, वाहेगुरु से, ईशा मसीह से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से मुक्ति मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें और आप प्रतियोगी विद्यार्थियों का भी भविष्य उज्ज्वल बने, आपके परिवार में भी सभी लोग सुख सानंद और आनंद के साथ रहें, यही हमारी मंगल कामना है। पुनः कक्षाओं में आप लोगों के साथ जोशो खरोश, जज्बे और जुनून के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।